पर की ओर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। नकवी के साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री आरपीएस सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इधर नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाए जाने की भी चर्चा है। नकवी को बीजेपी ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया था। तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी भूमिका में लाना चाहती है। ऐसे में उन्हें एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाया जा सकता है। नकवी अभी तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, साथ ही वे राज्यसभा में बीजेपी संसदीय दल के उपनेता भी थे। इधर जनता दल यूनाइटेड के कोर्ट से केंद्र सरकार में मंत्री आरपीएस सिंह ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उन्हें भी जदयू ने राज्यसभा में अगला कार्यकाल नहीं दिया है। आरसीपी सिंह का राज्यसभा सांसद के तौर पर आज अंतिम दिन है। केंद्रीय कैबिनेट से मुख्तार और आरपीएससी सिंह का इस्तीफा और सिंधिया और स्मृति ईरानी को भी प्रभार मिल चुका है। नकवी को उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनाने की अटकलें भी अब तेज हो गई हैं।